हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अजमत। चलो आपको ये वीडियो में बताऊंगा कि मच्छी का बच्चा किस तरह पैक किया जाता है जो आपके तालाब में छोड़ने के लिए। दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, ये मच्छी आपको पॉलीथीन कवर में पैक किया जाता है। जो वाइट कलर में पाइप दिख रहा है वो ऑक्सीजन पाइप है। यहाँ पर एक पैकेट है आपको मच्छी पैक करे हुई। जो वो भाई पैक कर रहे हैं मच्छी, जो व्हाइट कलर में पैंप है वो ऑक्सीजन का पैंप है। और थोड़ा सा पानी में आपको 1000 मच्छी वो पॉलीथीन कवर में डालकर ऑक्सीजन के सहारे इस तरह पैक किया जाता है। ये कवर के ऊपर एक घींटी रहती है और नीचे एक घींटी रहती है। वो डिश में से मच्छी ला रहे हैं और एक चम्मच के सहारे आपको पॉलीथीन कवर में डाला जाता है। एक चम्मच में 500 बच्चा आता है। ये 1 से 1.5 इंच का बच्चा है। ये पॉलीथीन कवर में जो मच्छी डाल रहे हैं वो मच्छी के साइज पे डिपेंड है। दोस्तों अगर ज़्यादा एक 3 इंच तलक है मच्छी, तो आपको 500 बच्चा एक पॉलीथीन कवर में डाला जाता है। अगर से मच्छी का साइज 1 से 1.5 इंच है तो 1000 तलक डाला जाता है। दोस्तों आपको ध्यान से याद रखना है, यहाँ किस तरह पैक हो रही है मच्छी, इसी तरह आपकी मच्छी पैक होकर आपके तालाब में छोड़ना है आपको। वरना आप ऑक्सीजन के बिना लाओगे, लाकर छोड़ोगे, तो वो मच्छी डेफिनेटली आधे में से आधा डैमेज होने के चांसेस बहुत है। मैंने पहले एक बार ऐसी लाया था, आधे में से आधा डैमेज हो गया। फिर मैंने इस तरह पैक कर कर मच्छी लाकर छोड़ा मेरे तालाब में। 3000 मच्छी छोड़ा था मैंने, तो सिर्फ एक बच्चा उसमें डैमेज निकला है, बाकी के सारे तंदुरुस्त है। आज को 3 दिन हुआ मैंने मच्छी छोड़कर, एक भी मच्छी अब तक नहीं मरी है जब से मैंने लेके गया था। इसीलिए ध्यान से देखिएगा आप, जैसा पैकिंग हो रहा है आपको इस तरह पैक करना है मच्छी को, लाके छोड़ना है आपके तालाब में।